एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और डस्टिंग और मॉपिंग और सब कुछ हो चुका है और अभी मैं करने वाली हूँ योगा। अब आप सोचोगे कि योगा तो सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए जिस टाइम पे शांति होती है, तो इस गांव में ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सुबह और शाम को ना बिल्कुल शांति नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मंदिरों में 4:30 बजे लाउड स्पीकर पे तेज तेज भजन बजने शुरू हो जाते हैं, जो बजते हैं 6:15, 6:30 तक। मतलब एवरेज अगर मैं बताऊँ तो उनका 1.5 घंटे का सुबह रहता है और 1.5 घंटे का शाम को रहता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह उस टाइम पे शांति से ना करना पॉसिबल नहीं है। योगा छोड़ो, उस टाइम तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहो कि आप सुबह उठ के जल्दी पढ़ सकते हो, तो ये टास्क भी यहाँ पे इम्पॉसिबल है, आप नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे मेरे जितने भी जो काम थे वो सारे मैंने फिनिश कर लिए और अब मैं करने वाली हूँ योगा। और योगा मैंने ना ज़्यादा दिन नहीं हुआ शुरू किया, अभी बस कुछ आज शायद मेरा 6th डे है। तो आप लोगों को ना मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि ना मैं मेरे हाथों में ना क्रैप बैंडेज बांध के घूमती थी, क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा था। तो भाई ने बोला कि ना योगा करके देख, काफ़ी मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा। और अभी मतलब मैं 4-5 दिन से कर रही हूँ ना, तो हाथों में काफ़ी अच्छा है। तो मुझे वाकई में लगा यार योगा है तो इफेक्टिव, इसीलिए ना मैंने भी शुरू कर दिया। भाई भी करता है, मैं भी करता हूँ, तो हम दोनों ही अभी योगा करते हैं। माते यहाँ पे गाय के लिए ना जो आटा उन्होंने बनाया था ना, तो उसको निकाल रहे हैं। और वो क्योंकि उसको चूल्हे पे रखे ना गर्म करके वैसे पकाया था, तो ये नीचे थोड़ा लग गया है, तो हाथ से निकालना पड़ रहा है। और ये यहाँ पे वेट कर रही है क्योंकि इसको आ चुकी है इसकी खुशबू। इसके देखा कान देख रहे हैं, इसे खड़े हो चुके हैं। इनको माँ ने ना टाइम से डाल दिया चारा, ये खा भी चुके हैं। वो रही हमारी चुन्नू मुन्नू, अब इसको भी लगी पड़ी है चाटे की और उधर उसको भी लगी पड़ी है, अब इन दोनों को चाहिए। मैं जा रही हूँ अभी रुचिका के घर पे उनको पानी के लिए बोलने के लिए कि पानी आए तो बता दे। गांव में ना यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि पानी जब कब आएगा, ये पूरी तरह से ना वाटर वर्क्स के जो है ना डिपार्टमेंट, उसी के ऊपर पर रहमो करम पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो 1 दिन में भी दे सकते हैं, वो चाहे तो आपको 2 दिन में भी दे सकते हैं, वो चाहे तो आपको हफ्ते भर में नहीं दे सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ना पानी कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे ना किसी घर में भी नल नहीं लगा हुआ है, सबके ना डायरेक्ट पाइप डाली गई है और मोटर लगा के ना चलाते हैं। तो हमारे इस मोहल्ले में पता लगता है ना, रुचिका के घर के पास में ना एक घर है, तो उनके घर पे जब मोटर चलती है ना, तो उससे पूरे मोहल्ले में पता लग जाता है कि भैया पानी आया हुआ है, सब चला रहो अपने अपने घर पर मोटर। बाकी वैसे किसी को भी पता नहीं लगता कि पानी आया हुआ है। और अभी ना पानी आ भी चुका है, उसके बाद भी पता है अभी भी कई घर ऐसे हैं जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मतलब वो मोटर लगा के भी चला रहे ना तब भी नहीं आ रहा। और बिना मोटर के तो किसी के भी घर में पानी नहीं आता, किसी के भी घर में, मतलब एक कोई सिंगल घर भी नहीं होगा जिसके घर में बिना मोटर के पानी आता होगा। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इस गाँव की। यहाँ बनाई जा रही है पूजा की बत्तियाँ, देखिए कितनी सारी बना रखी है। अच्छे तरीके से बनी हुई है, जैसे बाजार में मिलती है ना बिल्कुल वैसी है, गोल गोल। तो यहाँ बन रही है बत्तियाँ पूजा के लिए। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सीख लेती हूँ ताकि अच्छे से सुंदर सुंदर बना पाऊंगी। हालांकि हमारी बनाते हैं गोल वाली, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनती। तो
मैं भी बैठ गई दो चार हाथ करने के लिए, और अच्छी बनाई मैंने भी। हमारे होनहारों ने ना स्कूल जाना शुरू कर दिया है। हालांकि स्कूल तो एक तारीख से शुरू हो गए थे, बट बीच में एक दो दिन गए नहीं थे, और अभी सर 3-4 दिन हुए कि जा रहे हैं। और इनको इनका जो है ये बुक्स ये सब मिल चुकी है, बहुत सारी बुक्स मिली है इस बार, और इतनी मोटी मोटी मिली है। 10th तक तो इनकी बुक्स थी ना वो बहुत पतली पतली थी, तो इनके लिए पढ़ना बहुत ईजी था। इस बार इनको पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है। इसलिए सुबह के लिए आर्ट्स में हिंदी लिटरेचर कौन स्कूल में साइंस की फैकल्टी की बात आई है, पहले कॉमर्स के बाद आएंगे और नगर कमी रहा मिली खाना पहले क्या मिलेगी ताई जी आए हैं माँ से मिलने के लिए। माँ की तबीयत खराब थी ना तो आज अर्जुन सर आए हुए थे तो घर पे आ गए। ताई जी और के लिए लेके आया था घर में यहाँ पे, तो साथ में घास भी लेके आए, और वो उनकी सेवा में लगा पड़ा है वो उनको डाल रहा है। अभी ना खेतों में बारिश हो चुकी है ना, तो उसके बाद खूब घास हो रहा है, तो ये लेके आए और ये इन सबको खिला रहा है। मोहन ने कहा खूब बड़ा सा ढेर लगा दिया इसमें, और ये तो कम है, अभी शाम को और आएगा घास, मतलब खूब भयंकर तरीके से हो रहा है खेतों में। तो जब भी जाते हैं तो 2-3 कट्टों में ना ऐसे भर के भेज देते हैं वो गायों की सेवा करते हुए। डिनर बना के लेके आई है सबके लिए चाय, अब सब लोग इंजॉय करेंगे चाय को। मतलब वैसे तो ताई जी ने मना कर दिया था चाय नहीं पियेंगे, लेकिन मेरे बापू जो हैं वो चाय के पूरे शौकीन हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ी सी तो पी लो, थोड़ी सी तो पी लो। फिर डिनर ने कहा चलो थोड़ी सी तो पी लेते हैं, तो फिर डिनर ने चाय बना ली।